हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की एक और इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको कराऊंगा केस स्टडी का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन केस स्टडी के कराऊंगा, बट यस, ये केस स्टडी और केस स्टडी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दी है पहले, बट ये केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा है आपका जिसमें 60-70% स्टूडेंट्स गलती करेंगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो 60-70% गलती बच्चे करेंगे मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग अपने अपने यहां पर से ये कॉन्सेप्ट को सीख लें, ऑलराइट, जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा आपको केस स्टडी के अंदर, इसे आप सभी लोग सीख लेना। इसमें जो भी डाउट है उसे आप क्लियर कर लेना, अभी हम क्लियर करेंगे आपका जितना भी डाउट है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए, ऑलराइट। एंड छोटा सा काम, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करना, ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। एंड जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डेली क्लास आपको मिलेगी 6 PM इवनिंग पर, आप तैयार रहना। और देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का रिवीजन जो है कंप्लीट वो हो चुका है, अब मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। साइंस के भी 5 पार्ट्स हो चुके हैं, आप लोग बस एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आखिर क्या है केस स्टडी के अंदर ऐसा हमारे पास, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो उसमें हम गलती कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या है वो क्वेश्चन। आइए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, जरा मैं पढ़ता हूं। इन द इवनिंग मोना एंड हर मदर वेंट टू आइसक्रीम पार्लर टू ईट आइसक्रीम। मोना ऑब्जर्व दैट आइसक्रीम सेलर हैज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर। देखिए, दो टाइप्स ऑफ कंटेनर दिख रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं इसका पहला कंटेनर आपको दिखाता हूं, ऑलराइट, सॉरी ये गलत हो गया। इसका एक कंटेनर बना रखे यहाँ पर, देखिए इसके डायग्राम एस शोन इन गिवन, एस ऑन बिलो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम तो दिखा नहीं सकते ना इमेज, तो मैं यहाँ पर आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से, सभी लोग ध्यान देना, ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोग ध्यान देना। देखिए, आप लोग गलती करेंगे बट आज से नहीं करना है, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे भी पता है, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, ये मुझे पता है कि आज से आप लोग गलती इस पर नहीं करेंगे। चलिए, ये आपका एक फिगर दे रखा है, ऑलराइट, समझना, ठीक है, ये समझिए। तो यहां देखना, सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिलेंडर के बारे में पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया। देखिए, कोई हमारे पास एक टॉय होता था या फिर कोई भी एक आर्टिकल होता था, हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइन करते थे। और आपने लास्ट क्लास में मेरा देखा होगा, अभी मैं लास्ट क्लास में आपको एक लास्ट क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने आपको बता रखा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, उसे आप जरूर देखना। मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता रखा है, उसमें कॉन्सेप्ट भी बता रखा है, ठीक है। तो यहां देखिए, सेम कुछ इसी टाइप का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा चेंजेस है, वो क्या है, ध्यान सुनिए। यहां पर लिखा गया है, देखिए सबसे पहली चीज आपको पढ़ना क्या है, उसने क्या किया, दो, देखिए आइसक्रीम पार्लर पर गया, मोना गई, जो भी है लड़का लड़की, ठीक है, मोना, हाँ ठीक है, आइसक्रीम पार्लर पर गया, उसने देखा वहाँ पर, ऑब्जर्व किया कि उसको दो टाइप के कंटेनर दिखे, एक तो ये दिखा, ये क्या है, नाम से क्या क्या नाम से पता चला क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर मीन्स ये कुछ कंटेन करेगा, ऑलराइट, समझ में आया सबको। कंटेनर का मतलब यही हुआ कि इसके अंदर कोई भी चीज जाएगी वो होल्ड, मतलब होल्ड रहेगी, कंटेन रहेगी, गिरेगी नहीं वहां से। मतलब आखिर है क्या चीज, तो इसका मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए कहीं कंटेनर तो बोला नहीं था, हॉलो सिलेंडर था इसका मतलब, बट यस, ये एक हॉलो सिलेंडर नहीं है, ऑलराइट, ये एक कंटेनर है, समझ में आया सबको। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर है क्या, अब जो कंटेनर है, तो भाई अगर मान लीजिए ये ढक्कन है, और ये ढक्कन दिया है आपको, इसका जो टॉप है वो एक, यहाँ पर कह सकते हैं ढक्कन है, और ये टॉप इस तरीके से हेमिस्फीयर शेप में है, ठीक है, आपको समझ में आया सभी लोगों को। चलिए, इसको मैं दो मेथड से आपको सिखाऊंगा कि आप दो मेथड से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको जो बेस्ट लगेगा आप लोग वो करना, ठीक हो गया, ध्यान सुनिए। सबसे पहली चीज मैं वही बताऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखी। देखिए, मैंने कहा इसके अंदर कोई चीज मैंने डाली, अब डाली, मान ली आइसक्रीम डाली, तो गिरी नहीं आइसक्रीम, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर है, कंटेन कर रहा है इसके अंदर कुछ, ठीक है, कंटेन कर रहा है। सो इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कंटेनर में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका बेस भी है यहाँ पर, जो कि कवर्ड है, ठीक है, तभी तो कोई चीज नहीं गिर रही है। सो प्लीज, वी हैव वन मोर सरफेस हेयर, ऑल राइट, वी हैव वन मोर सरफेस हेयर, किसमें, सिलेंडर के केस में एक सरफेस और है, जो कि ये फ्लैट सरफेस है नीचे से, और एक कर्व्ड है, समझ में आया सबको। सो अगर इसका देखिए टोटल एरिया क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, चलिए, सो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं टोटल
सरफेस एरिया आपसे पूछूं ऑफ कंटेनर बताइए, तो यस मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली यही लिखेंगे क्या कि सबसे पहले आप कहेंगे। अब देखिए यहां पर है क्या, मैंने आपको बता दिया पहले ही, सिलेंडर के पास दो सरफेस है यहां पर, एक तो एक कर्व। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट पे पढ़े जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था सरफेस एरिया का मतलब वो होता है जब भी आपसे टोटल की बात कर रही हो किसी कंटेनर का या किसी आर्टिकल या कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है, जिसमें दो सॉलिड्स हो, दो से ज्यादा जितने भी हो, मैंने क्या कहा था, जिस सरफेस को आप छू सकते हैं, जिस सरफेस को आप टच कर सकते हैं, वही सरफेस जो होगी सारी हमारी उसको वो सब किस में आ जाएंगी, टोटल सरफेस एरिया में आ जाएंगी। तो यहां देखिए अगर ये कंटेनर है आपका तो क्या ये हिस्सा आप छू नहीं सकते, नीचे से छू सकते हैं ना, छू सकते हैं कंटेनर भाई, नीचे से हाथ तो लगा सकते हैं उस पर, ऑल राइट। तो बस एक यहां हमने ऐसे करके छुआ, एक यहां छुआ हमने, इसको टच किया चारों ओर, क्योंकि एक देखिए इस तरह से छुआ तो ये क्या है, बेस है कंटेनर का, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में, सॉरी सर्कुलर शेप में। तो सबसे पहले देखिए एक आपने कर्व हिस्सा छुआ, एक आपने बेस वाला हिस्सा छू दिया, अपने हाथ से छुआ ना, फील किया, टच किया उसको, चलिए। एंड वन मोर हेयर विच इज क्या, एक कर्व्ड पार्ट जो कि क्या है, हेमिस्फीयर है, कंप्लीट खत्म हो गया भाई टोटल सरफेस एरिया। यहां से आप ध्यान देना, ये कंटेनर के केस में हमेशा ऐसे ही करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हॉलो सिलेंडर नहीं, हॉलो था तो सिर्फ खाली सीए से लगता बस हो गया, इसकी तो बात ही नहीं होती, ठीक है, समझ में आया सबको, आई होप कि क्लियर होगा आप सभी लोगों को। तो इसका ध्यान देना, ये आपको कहीं दिक्कत ना करे, ये कंटेनर है आपका, ऑल राइट। अब वैसे भी देखिए आइसक्रीम कंटेन कर रहा है, ये हो गया पहला मेथड। मैं आपको अगर आपको ऐसे सीखना तो ऐसे सीखिए, दूसरा मैं बताता हूं आपको, दूसरा देखिए तीन मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप रट लीजिए कंटेनर का केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसा करना है, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहले आप एक काम करते हैं, पहले हम ये लिखते हैं जो जो हो रहा है यहाँ पर। एक तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि सर आप कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सीएसए ऑफ सिलेंडर दिख रहा है। दूसरा आप कहेंगे सर मुझे सिलेंडर का एक बेस पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, सिलेंडर का क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है। तो आप सिलेंडर का बेस नहीं कह के एक काम कर लीजिए, जो कंटेनर ही है कंटेनर का बेस कह दीजिए, ठीक है। आप लिख दिए यहाँ पर एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर। अब ध्यान से सुनना ना, अब एक चीज और है, बात टोटल सरफेस एरिया की हो रही, ये दोनों क्या हो गए ना, ये दोनों टोटल सरफेस हो रहे हो किसके, सिलेंडर के, ठीक है, या फिर ये अलग से लिख लीजिए कंटेनर का हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है, बेस तो आपको दिख ही रहा है जो कि यहाँ पर कर्व, मतलब बेस है इसके पास, हॉलो नहीं है, ऑल राइट, जो कि सर्कुलर शेप में। एक चीज और दिख रही है जो कि है हमारा सीएस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसको भी आप टच कर ले रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर डाउट, वेरी गुड, क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर होगा सब कुछ मुझे लगता है। चलिए तो बस हो गया कुछ नहीं, अब आप क्या करिए, 2πRH या तो आपको पता है ये सबसे इजी चीज है, और ये देखिए जो एरिया ऑफ बेस कंटेनर का जो बेस है वो सर्कुलर शेप में है, सो पाई आर स्क्वायर लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम लीजिए, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग विच इज लेफ्ट हेयर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि कितना होता है, 2πR² होता है। अब फ्रेंड्स दोस्तों स्टूडेंट्स प्लीज, मैंने अगर आपको पढ़ा दिया है तो प्लीज इसको आप आज से गलती मत करना इन क्वेश्चंस में, ठीक हो गया, चलिए वेरी गुड। सो 2πRH ऑल राइट, देखिए πR² 3πR², क्लियर है, बस कुछ ही, क्योंकि देखिए रेडियस तो सेम ही है ना, रेडियस सेम है। अब एक चीज और देखिए, यहां पर कुछ गिवन है कि ये आपका कितना 20 सेंटीमीटर है, और ये यहां पर दे रखा आपको ये है 30 सेंटीमीटर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सबसे अच्छी चीज है यहां पर कि पाई आर कॉमन ले लीजिए, ये मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूं, तो इजी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, पाई आर 2H। अब फास्ट के साथ क्या क्या बताऊं, फास्ट के साथ एक्यूरेसी, मतलब क्वेश्चन जो है करेक्ट भी होना चाहिए, वो एक अप्रोच रख रहे हैं यहां पर। सो 22/7 व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 20, और 2 × H देखिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है H गिवन है, H कितना हाइट 30, सो 2 × 30 60, और ये आ गया आपका कितना, हाउ मच, ये भी 60 आएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस 20 है, 23 जा 60, बस हो गया, ये आ गया 120, ये आ गया देखिए 44 और 12, ठीक है, 44 और 12, सो 12 4 48 का 8, 4 12 48, ठीक है, 5 2 8
5200 5280। अब इसको तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा लिख कर लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, दो डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर निकालना पड़ेगा, हमेशा दो डेसिमल प्लेस तक आप सभी लोग आंसर निकालें, ठीक है। पॉइंट के बाद दो नंबर होने ही चाहिए। बस ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या कहा आपको, थर्ड मेथड बताता हूँ। एक तो ये हो गया इस तरह समझिए, जिस सर्फेस को आप टच कर सकते हैं वो होगी टोटल सर्फेस एरिया सारी। दूसरी चीज रट लीजिए, जब भी कंटेनर का केस आएगा ऐसा ही करना है आपको, इस तरह से सोचना है। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, एक चीज और बताइए, आप लोगों के घरों में जो कंटेनर, मतलब कि जिसमें आप अपना जो आटा है, चावल है, इन चीजों को रखते हैं ना, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है? नोटिस किया है ना, क्या किया? देखिए कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या क्या होता है, एक सीए से बाहर निकाल दीजिए, ध्यान सुनिए। उस तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर आप कंटेनर की ही बात करें तो कंटेनर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, कंटेनर बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस तरीके से सोच सकते हैं आप कि घरों में जो भी आपके यहाँ पर कंटेनर होते हैं जिसमें चावल रख रहे हैं, जिसमें आटा जो भी है, अब आप जिसमें रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस तरीके से ऐसा ही रहता है, कुछ ये ढक्कन होता है, इसके अंदर जो कुछ सामान रखा रहता है, कुछ चावल आटा या कोई भी चीज़। तो अब यहाँ पर देखिए कि बस ध्यान सुनिए, तो एक हमारे पास क्या है, सीए से बाहर निकाला मैंने, ढक्कन निकाला तो सीए से बाहर निकला। उसके पास नीचे का जो 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 हेमिस्फेयर का जो बॉटम पार्ट है उसमें कोई सरफेस थोड़ना है, नहीं है, वो तो हॉलो है, खत्म। अब वो भी हॉलो है, और आपने देखा, आप देखो सिलेंडर जो आपके पास दूसरा जो सिलेंडर पार्ट है वो भी तो हॉलो होगा। बस ये आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने देखा होगा, सिंपल सा। आपको और अच्छे समझना है तो आप ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास देख लीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी रख लीजिए, खत्म कहानी। बस आप सीएसए जो दिख रहा है लगा दीजिए, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ। बट ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इस तरीके से सोचना, ठीक है। चलिए तो मरते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें सेकंड पार्ट ने इसने पूछ रखा है कि एक और चीज है, इसका आंसर बताना है मुझे सभी लोग पॉइंट में। चलिए मूव टू इट्स सेकंड पार्ट। यहाँ पर लिखा गया है सेकंड पार्ट, मतलब कि यहाँ पर हेमिस्फेरिकल पिलर है एक, एक हेमिस्फेरिकल और है कंटेनर जिसके पास तीन पिलर्स हैं, उसके बॉटम पर कुछ नहीं, बस छोड़िए। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट था, कि इसमें सेकंड फिगर इस तरह से दिया था। इस पर आप ज्यादा नोटिस मत करना, ठीक है, मतलब इन चीजों से ज्यादा, मतलब इनको देखना मत, प्रॉब्लम मत रहना, ठीक है, परेशान मत हो जाना कि ये तीन चीजें भी दे रखी इसमें, तो इसका क्या करें, कुछ नहीं, बस हेमिस्फेयर आपके पास बस हो गया। जो सॉलिड हमारे पास रियल सॉलिड्स होते हैं जिनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हीं से तो पूछेगा आप ये क्या दे रखा, पता नहीं कुछ है थोड़ा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है तो अब ये कह रहा है इसका मुझे क्या बताएंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टाइप टू कंटेनर। ये टाइप टू कंटेनर है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो ये हेमिस्फेयर शेप में है, बता दीजिए वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर का क्यूब। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे फाइंड करके बता देना। ऑलराइट, तो यही था, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहां पर बता दी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, आज से गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट, डेली आप लोगों देखिए काफी सोच समझ के यहां पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं। तो प्रीवियस सारी क्लास देखिए, बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्लासेस मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एपी की एक और केस स्टडी की तरफ। यहां पर एपी की केस स्टडी देखिए जरा क्या है, ठीक है ना, इसके पास बेस भी होता है, कंटेनर है तो भाई बेस तो होगा ही उसका। सो बेस है तो इससे क्या मतलब हुआ कि उस सरफेस को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड होगा किसमें, जब टोटल सरफेस एरिया पूछा हो तो। ऑलराइट, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं एपी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है एपी का। अगर एपी से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो बिल्कुल यही आएगा। ऑलराइट, योर फ्रेंड्स वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस, ठीक है, 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है कोई भी। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकंड। देखिए हो क्या रहा है, वो करंटली, सबसे पहले ध्यान सुना, वो किस 200 मीटर रेस को 51 सेकंड में, करंटली वो उतने 51 सेकंड में उस 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर लिखा गया है एंड विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस से क्या कर रहा है, उसका जो है टाइम जो है ना कम होते जा रहा है, मतलब अब वो और भी कम समय में 200 मीटर की रेस को कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब 2 सेकंड कम है, ठीक है, पहले वाले से 2 सेकंड कम है। सो एपी फॉर्म करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो एपी फॉर्म करना तो बच्चा कर देगा। सो पहले 51, अब 2 कम 49, 47, इस तरीके से। लोग ये इतने भी 2 मार्क्स कैसे मिल जाते हैं बताइए, तो क्योंकि इसलिए मिल रहे हैं, ये सोचना है, ये 1 मार्क्स आपके सोचने के हैं कि आपने सोचा है, मतलब सोचा मतलब ऐसे नहीं सोच दिया तो हो गया, ठीक है, सोच दिया तो मिक्स मार्क्स मिल गए, लिखा कुछ नहीं। इसको लिखने का मतलब यही हुआ कि आपने सोच लिया है 1 मार्क्स का,
अपने माइंड में, तभी तो जब ये लिख दिया तो तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ये सोचने का और लिखने का क्वेश्चन, लोग लिखने का मार्क्स है। ऑलराइट, क्योंकि चीज वही है कि अगर आपको समझ में आया है तभी तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर 51, 49 and 47 सो ऑन जो भी है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में लिखा गया था कि ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकंड। अब इसका एक टारगेट है, इसका गोल है कि वो चाहता है कि इसको इस 200 मीटर रेस को जो वो 51 सेकंड में कर रहा था, लेकिन वो चाहता है भाई वो उसको 31 सेकंड में ही कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पर सर सभी लोग समझना, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो वो कह रहा है कि इसको कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे कि 31 सेकंड में वो 200 मीटर की रेस जो है उसको कंप्लीट कर ले। बस हो गया, इतना ही तो बोला है। चलिए, सो मतलब आखिरकार हो क्या रहा है, एक एपी अगर हमारे पास ये है तो वो चाह रहा है ये क्या है बताइए। ये सेकंड तो है, ये फर्स्ट डे का था, ये सेकंड डे का, ये थर्ड डे का, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो कभी ऐसा दिन आएगा जहां पर 31 सेकंड में वो क्या कर लेगा, 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेगा। चलिए, सो बस हो गया, तो 51, 49 लोग मैंने कह दिया भाई। अब ये है वो दिन, इस दिन में मतलब दिन नहीं मतलब ये है वो टाइम, ये टाइम तो है, ठीक है, मान लीजिए टाइम है, पर ये भी दिन कभी ना कभी कोई दिन तो मतलब जैसे कि मान सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके, ठीक है, ये भी कोई दिन होगा, ठीक है, जिस दिन ये 31 सेकंड में क्या कर लेगा अपना 31 सेकंड में क्या कर लेगा 200 मीटर की रेस को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब वो दिन कौन सा होगा ये बताना आपको। तो फर्स्ट डे तो ये था, सेकंड डे में इतने टाइम में कंप्लीट कर ले रहा था, थर्ड डे में इतने टाइम में कंप्लीट कर ले रहा था, ऐसे करते करते ठीक है किस दिन में इतना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ध्यान सुनना, मतलब ऐसा कौन सा दिन होगा जहां पर उसको क्या होगा, जहां पर ऐसा कौन सा दिन होगा, ठीक है, जब वो 31 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा अपनी 200 मीटर की रेस को, ठीक है, ऐसा कौन सा दिन होगा। तो ये डेज तो चल रहे हैं आपके, ये टाइम है, ये डेज चल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ऐसा करके ये, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा जब वो 31 सेकंड में क्या कर लेगा अपनी 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेगा। सो मतलब जाना कहां तक है, बस 31 सेकंड तक जाना है ना, उसके बाद के कि तो नहीं पूछ रखा आपसे। तो 31 क्या हो गया इसका, एपी का एक लास्ट टर्म बन गया, सो एन इज इक्वल टू 31, ठीक है। ऑलराइट, सो एन यहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ डेज, 1, 2, 3 ऐसे करते करते, तो बस हो गया। यहां पर डी निकालने के लिए देख लीजिए, 49 माइनस 51 करेंगे, माइनस का 2 आएगा, बस हो गया। आप एन का फॉर्मूला लगाइए, आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। अब बहुत से बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज ए एन और एल। अब इस एपी के लिए ए एन, अगर ए एन बोला है तो ए एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो कि क्या है, वहाँ 31 है, ए एन का मतलब ये लास्ट टर्म है ना, अब हम अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं भाई लास्ट टर्म, तो एल ही तो निकल रहा है। सो ए एन हो या एल हो एक ही बात है, ठीक है, या एल, ये दोनों एक ही चीज़ है। ऑलराइट, ए एन इज इक्वल टू एल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, लास्ट टर्म है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, ए एन इज इक्वल टू हाउ मच, 31, जो कि लास्ट टर्म है, यहाँ पर मैं एल भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए कितना है आपका, 51 प्लस ये आ गया एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, 31 इज इक्वल टू 51 ये आ गया थी माइनस, प्लस ऐसे लिख लीजिए माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। ऑलराइट, समझ में आया सबको। चलिए, सो 31 इज इक्वल टू 51 प्लस माइनस माइनस का 2n और ये प्लस का 2, ये 53 आया, इसको यहाँ भेज दीजिए और 2n को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ हो गया 53, देखिए दोनों प्लस हो गया, और इसको यहाँ भेज दीजिए, आ गया 31। सो यू विल गेट कितना, 22। सो 2n बराबर कितना आ गया आपका, 22 आ गया। सो n बराबर 11 डेज, मतलब 11 दिन में वो 31 सेकंड में अपनी 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए, सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस केस स्टडी के क्वेश्चन को अपने अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एंड करते हैं इस वीडियो को, और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेल आइकन अगर प्रेस होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। एंड यस, ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, तो डेली 6 PM इवनिंग जो है आपकी क्लास आप तक पहुंच जाती है। तो अब देखिए, एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।